हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड इफेक्टिवली। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक जिसमें हमसे कहा गया है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ गिवन टू सेट्स यूजिंग एरे। मतलब हमें दो सेट्स दिए हुए हैं, हम उन्हें एरे के इम्प्लीमेंटेशन से करेंगे कि अगर सेट दिया हुआ है ए और बी तो हमें डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब ए माइनस बी फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करके प्रिंट करेंगे। लेट्स सी। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक कोई सेट दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है 1, 2 एंड 3, ओके, एंड आपको बी गिवन है 3, 4 एंड 5। तो हमें क्या होता है, ए माइनस बी में हमें क्या प्रिंट करना होता है या फिर हमें क्या निकालना होता है, ओनली द एलिमेंट्स ऑफ ए। मतलब हमें इसमें जितने भी एलिमेंट्स जो ए के बी से कॉमन है उन्हें हटाना होता है, हमें खाली ओनली यूनिक एलिमेंट्स, मतलब ओनली द एलिमेंट्स या फिर हम कह सकते हैं ओनली यूनिक एलिमेंट्स ऑफ ए। जैसे इसमें जो गिवन एग्जांपल है 1, 2, 3 ए के एलिमेंट्स हैं और बी में 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग को आप देख सकते हैं कि जो 3 है वो बी का भी एलिमेंट है और ए का भी एलिमेंट है। तो हमें क्या करना है, खाली ए के एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं और बी के जो एलिमेंट्स ए से कॉमन है उन्हें हटाना है। तो आपका अगर ए माइनस बी आएगा तो आपका आएगा सेट 1 और 2, क्योंकि हमने 3 को रिमूव कर दिया बिकॉज जो ये वाला एलिमेंट है ये बी में कॉमन है और हमें ओनली ए चाहिए। ए माइनस बी मतलब ए में से बी के सारे एलिमेंट्स हटा देने हैं जो कॉमन है। तो जैसे आप इसमें देख सकते हैं जो 3 है वो बी में भी है, तो हमने ये मतलब ये बी का भी एलिमेंट हो गया है 3, तो हमने इसको हटा दिया और खाली ए के एलिमेंट्स प्रिंट करवा दिए। और हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टेक वन एक और एग्जाम्पल। इसमें जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 3, 4, 5 और 6 और इधर मैंने बी में एलिमेंट्स ले लिए 4, 5, 10 और 12। तो अगर हमसे कहा गया कि a माइनस बी निकालिए तो इसमें क्या होएगा, आप देख सकते हैं 3 और 4 तो यूनिक, 3 एक यूनिक एलिमेंट है क्योंकि वो b में नहीं है, पर जो 4 है वो a में भी है और b में भी है। तो हमें ओनली द एलिमेंट्स ऑफ a चाहिए और b के हटाने हैं, तो b में 4 और 5 दोनों कॉमन है a और b में, तो हम लोग इसके एलिमेंट्स हटा देंगे क्योंकि ये b में भी हैं। तो अब a माइनस बी इज़ ओनली 3 एंड 6। तो अब इसका हम एरे में इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि सेट्स रिप्रेजेंट करने का सी में, इन सी लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी तरीका नहीं होता। तो हम लोग इसे एरे कंसिडर करेंगे, क्या करेंगे, एक एरे। तो मैंने एक एरे लेंगे, उसमें मान लीजिए मैंने 1, 2, 3 डाला और एक बी एरे ले लिया, मैंने उसमें डाल दिया 3, 4 एंड 5 एंड 6, लेट्स से एनी लेंथ। तो अब क्या करेंगे, हम लोग चेक करवाएंगे एक एक एलिमेंट, मतलब हम दो फॉर का लूप लगाएंगे, एक फॉर का इस 0 से लेके आई का लेके ए तक का, ठीक है, और एक लगाएंगे हम लोग फॉर का लूप जे का जो 0 से लेके बी के लिए चलेगा, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, ए एट आई अगर बी के इक्वल है, ए एट जे मतलब बी के एलिमेंट के इक्वल है, तो हम लोग वहाँ पे ब्रेक लगा देंगे और फ्लैग वेरिएबल का यूज़ कर लेंगे। तो हमें क्या होएगा कि अगर जैसे आपका ब्रेक लगने के बाद, मतलब क्या होगा, फ्लैग वेरिएबल हमने 0 लिया है, यहाँ पे फ्लैग वेरिएबल 1 हो जाएगा, तो मतलब फिर हम लोग उस वाले एलिमेंट को प्रिंट नहीं करवाएंगे क्योंकि वो एक कॉमन एलिमेंट है, और जो अनकॉमन एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम प्रिंट करवाते जाएंगे। इस बात को हम देखने के लिए एक पूरा प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ओके। ये मैंने एडिट प्लस में ऑलरेडी एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, लेट्स सी इसको हम रन करते हैं। पहले क्या होता है, हम लोग पहले अपनी फाइल्स इनपुट करवा ली, मैंने conio.h और stdio.h करवा ली, मैंने int main टाइप का ले लिया है और उसके बाद आपका जो main है int टाइप का, मैंने एक array ले लिया 3 साइज का a और b, तो मतलब ये सेट a है और ये सेट b है हमारा, और जो रिजल्ट स्टोर करवाना है वो मैंने एक c एलिमेंट पे ले लिया, ओके। अब क्या होता है, मैंने काई ले लिया आउटर लूप के लिए और जे भी मैंने इनर लूप के लिए, और के मेरा फ्लैग वेरिएबल है, ओके। अब मैंने यूज़र से पहले इनपुट करवा लिए एलिमेंट्स इन ए, ये तो बहुत इजी स्टेप्स हैं, मैंने ए में एलिमेंट इनपुट करवा लिए फॉर लूप लगवा के आई का और एंटर द एलिमेंट्स, और ये मैंने स्कैन एफ से यूज़र से रीड करवा लिए परसेंट एट आई। अब मैंने सिंपली दोबारा ये सेम काम करा बी के लिए, बी के एलिमेंट्स मैंने जे का फॉर लूप, जे का लूप लगवा के मैंने इनपुट करवा लिए और ये मैंने स्कैन करवा लिया, ओके। अब मेन आता है द डिफरेंसेस, मैंने पहले लाइन प्रिंट करवा दी द डिफरेंस इज, ओके। अब क्या करा, मैंने पहले एक आउटर लूप चलाया 0 से लेके 3 तक का आई का, और मैंने फ्लैग वेरिएबल के को 0 इनिशलाइज पहले करवा लिया है, और मैं बार बार इसको 0 इन अंदर इन द इनर फॉर लूप मैंने इसलिए करवाया ताकि के की वैल्यू नई होगी तो उसको नई वैल्यू को हमें यूज़ नहीं करना, न्यू वैल्यू को यूज़ नहीं करना, हम दोबारा से 0 इनिशलाइज करवा देंगे।
और ये मैंने एक और लूप चला लिया जे का 0 से लेके 3 तक। अब मैंने चेक करवाया दो हमारे दो सेट्स है ना, तो ए एट आई इक्वल इक्वल बी एट जे, तो मतलब जो ए एट आई थ एलिमेंट है वो बी एट जे थ एलिमेंट के इक्वल है, तो के को हमने 1 कर दिया और ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने से क्या होएगा, ये जे का हमने जो ब्रेक आपका जो स्टेटमेंट है हमने जे वाले फॉर लूप के अंदर यूज करा है, तो ये जे वाले फॉर लूप से हमें बाहर निकाल देगा और ये कहाँ जाएगा, आई के फॉर लूप में। जैसे आई के फॉर लूप में आएगा चेक करेगा क्या अगर के इक्वल इक्वल जीरो है। के इक्वल इक्वल जीरो कब होएगा, जब ये वाली कंडीशन ए एट आई इक्वल इक्वल जे ए एट बी, ये वाली कंडीशन जब आपकी फॉल्स होगी, मतलब जब एक भी एलिमेंट इसका कॉमन नहीं होएगा तो के जीरो होएगा, वरना के की वैल्यू वैसे आप देख सकते हैं जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब ए एट आई इक्वल इक्वल बी एट जे जब ट्रू होगी तो के की वैल्यू ऑलरेडी इंक्रीज हो रही है, तो ये वाली वैल्यू फॉल्स रहेगी तब। तो जब हमें मतलब इस समय पे हमें क्या मिल रहा है, एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा, मतलब जो ए में भी नहीं, जो ए और बी दोनों में कॉमन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली उसे प्रिंट करवा देंगे ए एट आई को, तो हमें क्या मिलेगा ओनली द एलिमेंट्स ऑफ ए मिल जाएंगे यहाँ पे। और यही मेरा प्रोग्राम ओवर, मैंने गेट सी एच यूज करा है यहाँ पे और मैंने रिटर्न 0 कर दिया है क्योंकि हमारा मेन जो था इन टाइप का था। हम एक बार इसको रन करके देखते हैं, आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी। मैंने ये यहाँ पे प्रोग्राम को आपके सामने एक बार कंपाइल करती हूँ, ये मैंने GCC डाला, उसके बाद मैंने प्रोग्राम का नाम ट्रिपल ए रखा था .cpp। ओके, ये एरर नहीं है, इट्स द प्रोग्राम इज एक्सट्रीमली राइट। लेट्स सी आउटपुट कैसे है, मेरी टर्मिनल विंडो डिस्प्ले होगी, सिंस आई एम यूजिंग GCC ऐप तो फिर इसमें मेरी टर्मिनल विंडो ये रही। मैंने इसको ओपन करा, ये मेरी टर्मिनल विंडो है, इसने मुझसे मांगे एलिमेंट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ ए ठीक है, मैंने डाला 1, 2 और 3। मैं वही एग्जाम्पल ले रही हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिया था। अब मेरे को एलिमेंट्स डालने हैं बी के। ओके, अब मैंने बी के डाले 3, 4 और 5। आप देख सकते हैं द डिफरेंसेस 1 एंड 2, क्योंकि क्यों, क्योंकि हमें खाली एलिमेंट्स ऑफ ए चाहिए थे और मेरे को खाली एलिमेंट्स ऑफ ए मिल चुके हैं। आप देख सकते हैं 1 और 2 हमारे ओनली एलिमेंट्स ऑफ थे, क्योंकि 3 जो एलिमेंट था वो आपका 3 एलिमेंट ए में भी है और बी में भी है, तो ये कॉमन था, हमें ओनली द एलिमेंट्स ऑफ ए चाहिए थे और बी के नहीं चाहिए थे, मतलब ए माइनस बी ओनली द एलिमेंट्स ऑफ ए एक्सक्लूडिंग बी, तो 3 बी में था तो इसलिए हमने हटा दिया और हमें खाली 1 और 2 जो आउटपुट था वो मिल चुका है। अब हम लोग इस प्रोग्राम का एक बार ड्राई रन ट्राई करते हैं कि मतलब आखिर मैनुअली पीछे हुआ क्या था। मैं सिंपल यही प्रोग्राम को, मैंने उसका स्नैप ले लिया है, कि मैंने खाली लॉजिकल पार्ट है उसका स्नैप लिया है, बाकी तो इजी पार्ट था कि जस्ट इनपुट करवाना था आपको। ये मेरा ए है एरे 1, 2, 3 या सेट ए है, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, और ये मेरा बी सेट है। मैं इसी को एग्जांपल को जो मैंने लिया है उसे एक्सप्लेन करती हूँ। ये रहा, अब क्या होएगा, आई की लूप चलेगा 0 से लेके 3 तक, तो आई की जब वैल्यू 0 होगी के इक्वल्स टू 0, हमारा फ्लैग वेरिएबल 0 है, और जे अंदर लूप आएगा जे की वैल्यू 0 ठीक है। ये मैं तो एलिमेंट्स को भी दे देती हूँ 1, 2, 0, 1, 2, ये मेरी इंडेक्सिंग है ए, और फिर जे 0 है। ओके, तो इफ ए एट आई, आई की वैल्यू क्या है 0, तो ए एट जीरो मतलब 1 ए एट 1 इक्वल इक्वल बी एट जे, बी एट जे, जे की वैल्यू भी 0 है, तो ये कंडीशन फॉल्स, मतलब ये इक्वल नहीं है तो अंदर ही नहीं आएगा। अब जे की वैल्यू 2 होगी, लूप ऊपर दोबारा वापस जाएगा तो जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फिर 2 पे चेक करेगा इफ ए एट 0, क्यों, क्योंकि अभी आई की वैल्यू तो 0 ही है, हम इनर लूप में बात कर रहे हैं, इज इक्वल इक्वल बी एट जे, जे अब जे की वैल्यू 2 है तो मतलब 1 इक्वल इक्वल 4, कंडीशन फॉल्स, अब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये दोबारा चेक करेगा 1 इक्वल इक्वल ए जे बी जे एट 2, तो 2 पे 5, कंडीशन फॉल्स, तो ये वाली टर्मिनेट ही नहीं हुई, और जब जैसे ही जे की वैल्यू 3 होगी तो लूप बाहर आ जाए क्योंकि लेस देन 3 है, तो जैसे ही बाहर आएगा इफ के इक्वल इक्वल 0, के हाँ 0 है, इनिशियलाइज तो 0 ही था और कोई वैल्यू इंक्रीज हुई नहीं, तो प्रिंट ए एट आई, तो यूनिक एलिमेंट जो हमें मिला है वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब यूनिक मतलब ये वाला जो 1 एलिमेंट है वो बी में कहीं भी नहीं है, तो मतलब ये ओनली द एलिमेंट ऑफ ए है, तो हम इसे प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरा आउटपुट यहाँ पे है, तो लेट्स से द आउटपुट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, लेट्स अगेन स्टार्ट, आई की वैल्यू 1 होगी, अब ये सेम पूरा प्रोसेस दोबारा रिपीट होएगा, जे की वैल्यू 0, तो ये चेक करेगा इफ ए एट आई, आई की वैल्यू समय क्या है 1, तो मतलब 2 इक्वल इक्वल ए बी एट जे, जे की 0, पी क्या है 3, कंडीशन फॉल्स,
अब क्या होएगा, अब जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे जे की वैल्यू 1 होगी, 1 तो क्या करेगा, ए एट आई मतलब ए एट 1, ए एट 1 पे 2 इक्वल इक्वल बी एट जे, जे की वैल्यू क्या है 4, तो ये भी फॉल्स है, तो ये भी नहीं होएगा। अब जे की वैल्यू 2 होगी, अब जैसे 2 होगी तो ये क्या चेक करेगा, 2 इक्वल इक्वल एट 5, तो क्योंकि ए जे बी एट जे, बी एट 2 5 है, तो ये भी फॉल्स। अब जे की वैल्यू 3 होगी, जैसे 3 होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं दोबारा से के 0 ही रहा अंदर, हम लोग अभी तक फॉल इसके इफ के अंदर आ ही नहीं पाए हैं। तो क्या होएगा, के अभी भी 0 है, तो क्या हो जाएगा, प्रिंट ए एट आई, आई की वैल्यू क्या है, ए एट आई, ए एट आई, आई की वैल्यू 1, तो ए एट 1 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमें फिर से एक और यूनिक एलिमेंट मिल गया है ए का, जो बी में नहीं है, या जो बी का एक ऐसा एलिमेंट मिल गया है ए में, ए का एलिमेंट एक ऐसा मिल गया है जो बी में कॉमन नहीं है। नेक्स्ट, अब आई की वैल्यू 2 होगी, जैसे आई की वैल्यू 2 होगी जे का लूप जोरा से चलेगा 0, तो फिर अब क्या होएगा, ए एट 2, ए एट 2 क्यों, क्योंकि ए एट आई, आई की वैल्यू 2 है, तो ए एट 2, तो 3 ए इक्वल इक्वल बी एट जे, जे की वैल्यू उस समय 0 है, तो 3 इक्वल इक्वल 3 कंडीशन ट्रू। अब हमारा अंदर इफ में अंदर आएगा, जैसे इफ के अंदर आएगा के इक्वल टू के प्लस 1, तो के की वैल्यू 0 थी तो 1 हो गई, जैसे के की वैल्यू 1 होगी ब्रेक आ जाएगा, क्योंकि ब्रेक आ जाएगा, क्योंकि अब हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, हमें एक पूरा कॉमन एलिमेंट मिल चुका है, क्योंकि अब कॉमन एलिमेंट हमें एक ही मिल गया, हमारा उससे ही काम हो जाएगा। इससे हमें पता चल गया कि ए का एक एलिमेंट ऐसा है जो बी में कॉमन है, तो ऑफ कोर्स अब हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहीं से हमें सब्ट्रैक्ट उसे हटाना पड़ेगा। तो अब मैंने क्या करा, इफ के इक्वल इक्वल ब्रेक हो गया, बाहर आ गया, जे का लूप अब आगे टर्मिनेट नहीं होएगा। तो अब इफ के इक्वल इक्वल 0, हाँ के इक्वल 0 है, नो के इक्वल टू 1, तो ये प्रिंट ही नहीं होएगा। और जैसे अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 कंडीशन फॉल्स, क्योंकि लेस देन 3 लिखा है मैंने यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं आपको आउटपुट आ गया 1 और 2, और यही हमें चाहिए था डिफरेंस 1 एंड 2, क्योंकि 3 था वो कॉमन था। तो आप देख सकते हैं सिंपल, अगर जब भी कोई कॉमन हमें मिल जाएगा तो हम उसे के प्लस एक अपने फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू बढ़ा देंगे और ब्रेक कर देंगे, और हमारा फ्लैग वेरिएबल हमने 0 लिया है, अगर उसकी वैल्यू बढ़ी हुई है तो मतलब उसके एलिमेंट्स कॉमन है दोनों सेट्स में, तो हम उसे डिस्प्ले नहीं करेंगे। ये एक मेथोलॉजी थी कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं दो सेट्स का। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू द कोड इफेक्टिवली चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।